सिर्फ ये फर्क है कि इक्विवेलेंट के अंदर आपके पास जो एलिमेंट सेम नहीं होते, क्वांटिटी सेम होती है, जबकि आपके पास इक्वल सेट के अंदर क्या होता है कि आपके पास एलिमेंट्स की क्वांटिटी भी सेम होती है और एलिमेंट्स भी आपके कैसे होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेट आपके पास मौजूद है L, जो आपके पास है 2, 4, 6, आपको एक सेट यहाँ पे दे दिया 2, 4 और 6। अब एक और सेट आपके पास है N, बताने तो आपको देखने में तो डिफरेंट लग रहा है, इसे मैंने एक मुख्तलिफ आपके पास देखी है बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा है। अब इसके अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास एलिमेंट मौजूद है इज अ पॉजिटिव मल्टीपल, प्रीवियस एक्सरसाइज याद रखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन याद रखिएगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 के पॉजिटिव मल्टीपल चाहिए जबकि x जो है वो आपके पास लेस देन क्या है 6 है, कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन आपके पास 6 है, तो 6 से छोटा आपके पास क्या, 7 से छोटा आपके पास क्या होगा 6, 4, 2, क्योंकि आपके पास यहां पे मल्टीपल ऑफ 2 है, तो मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या है 2 का टेबल, 2 टू द 4, 4 टू द 6, तो आपके पास वही तीन नंबर आपके पास आ जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जब ये दोनों एलिमेंट्स आपके पास इनके सेम हुए तो ये आपके पास इक्विवेलेंट नहीं होगा, ये आपके पास कौन सा सेट कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी सेम होने के साथ साथ एलिमेंट का सेम होना भी जरूरी होता है। इसी तरीके से आपके पास यहां पर एक और सेट मौजूद है। अब इस सेट के अंदर आपके पास ए और बी मौजूद है, यहां पर आपके पास है ए बी सी और यहां पर आपके पास क्या है बी सी ए, पोजीशन चेंज हो सकती है, इसलिए मैंने एक और सेट बना के आप लोगों को दिखा दिया, जब आप एक्सरसाइज करो ताकि आप लोगों को आराम से वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो ये ए बी सी है और इसी तरीके से बी सी ए आपके पास मौजूद है, तो इसके अंदर भी आपके पास तीन क्वांटिटी है, ए ए दोनों में है, बी बी भी दोनों में है और सी सी भी यहाँ पर दोनों में है, तो एलिमेंट तीनों के तीनों एलिमेंट दोनों सेट के अंदर मौजूद है, इट मींस दैट आपके पास कौन सा सेट हुआ, इक्विवेलेंट सेट हुए। थैंक यू।